यूपेन ग्रेजुएट है, मैं बहुत बड़ा यूपेन का इंस्टीट्यूशन का फैन। आपके मैंने देखे, अब बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े, दूसरे सारे सारे फॉरेन ग्रेजुएट है। आपके ये जो अबासी साहब हैं, जो आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर, इनकी तालीम। लेकिन अफसोस है कि जब उतरते हैं पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पे सारी चीजें छोड़ देते हैं, जो नॉलेज लेके जाते हैं कि कौमें किस तरह तरक्की कर चुकी हैं, कर रही हैं, को ट्रैक क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह आगे लेके जाना है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किस तरीके से सब्सिडीज देनी है चीजों को, वो सारी चीजें एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं और जाके अपने कारोबार में बिजी हो जाते हैं। यही अलमिया है, नेशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, कौमियत नहीं है। और उसमें बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें आगे मैं ये देखना चाहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त खान साहब ने तो अपने आप को कंपेयर कर लिया मुजीबुर रहमान के साथ। खान साहब कभी अपने आप को बांग्लादेश की तरक्की के बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते? खान साहब आप 3.5 साल रहे हैं, तो उस वक्त आप बांग्लादेश को देखकर आपने कारोबार क्यों नहीं बढ़ाया वहां पे? खान साहब की आपने पहले स्टेटमेंट दे दी, आज उन्होंने दूसरा वार किया एस्टेब्लिशमेंट पे कि मैं इंटरेस्टेड था अकाउंटेबिलिटी में, वो बिलीव ही नहीं करते थे अकाउंटेबिलिटी में और करप्शन में वो उनका बिलीव था। तो वो सुबह उठते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है खान साहब भी तो एक है ना, ही वो तो कहते हैं पावर हंगरी है, वो तो चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसमें कितनी लाशें गिरें जो कुछ भी हो। लेकिन दुख उन पे है कि जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था, जिन्होंने इसी को लॉन्च नहीं किया, जिन्होंने हर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आज वो छुपते फिर रहे हैं मुंह छुपा के। ये और सारी दुनिया आलिया, सारी दुनिया भी देख रही है इसमें, देखने वाली बात है, सारी दुनिया भी देख रही है उनके रोल को। और मैं समझता हूं कि हर बच्चे बच्चे को ये पता है, ये प्रोजेक्ट उनका है, वो कौम को किस तरह फ्यूचर में जवाब देंगे, हर बंदे को पता है। खान साहब ने खुद कह दिया है कि मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ इनके पास था। जो आपने बातें की सर इस पे, अगर हम ये जो हम अभी चाइना की बात कर रहे थे, वो जो आपने बात की सर कि यहाँ पे आप पहुंच के, वो आपको पता है ना कि जितने मर्जी पढ़े लिखे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे पहुंच के जब वो इंडिया की बात होती है, तिजारत की बात होती है, तो वो इलेक्शन की बात हो, तो वो तो उनको पता है कि जो नस्लों को पढ़ाया है तो उस बिना पे तो हमें वोट ही नहीं पड़ेगा, तो बस चुप ही कर जाओ, बेशक नुकसान जितना मर्जी, बेशक हम पीछे रह जाए, पत्थर के जमाने में चले जाए। लेकिन साहिद साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है, तो आप समझते हैं कि मुश्किल में कमी आएगी, और किस हद तक चाइना हमें इस दफा जो है वो इस दौरे में फैसिलिटेट करने में इंटरेस्ट लेगा? मैं आखिरी सवाल है। इसके बारे में आलिया मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ने अपने रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में, उनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे। और मैं दूसरा मेरा इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट होगा कि चाइना के पास रिसेंट तजर्बा श्रीलंका का मौजूद है, तो वो अपनी इकॉनमी स्लगिश होने के बाद और उसके बाद श्रीलंका से उनका लॉसेस लेने के बाद, और उनकी तीसरी आपके बारे में रिजर्वेशंस पहले ही मौजूद है कि आप उनके बिल नहीं देते प्रॉपर टाइम पर, जो उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट। चौथा उनका इतराज आपके ऊपर है कि आप उनके उनके जो लोग हैं उनकी जान की हिफाजत नहीं करते, 13 उनके चाइनीज मारे जा चुके। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टांसिस वहां पे इस वक्त जो मैंने आज सुबह भी चेक किया कि सारा वहां पे सिचुएशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में रेल के ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, और उसके बाद एक थर्मल प्लांट के बारे में एमओयू साइन किया जाएगा, इससे अलावा कुछ भी गेन नहीं होगा। हाँ, उनका जो पिछले आपने पैसे देने, जिनका आपने कहा है $6 बिलियन, उसको शायद वो रीस्केड्यूल करें, लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको मजीद वहां से डॉलरों की बारिश आएगी, मैं उसमें ज्यादा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि सर्कमस्टांसिस आर नॉट हैप्पी, नॉट प्लीज्ड। और दूसरा यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर माजी में देखा जाए तो हमेशा जब भी आपका कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फौरन कुछ वीक्स के अंदर चाइना का दौरा किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब 6 महीने बाद क्यों गए हैं? इनके पीछे भी पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, वो चाइना इसलिए भी पैसे नहीं देगा क्योंकि आप पोलिटिकली इंस्टेबल, आप स्टेबल नहीं है। चाइना आप 6 महीने बाद क्यों गए हैं, क्यों इन्वाइट किया गया, वो भी ये देख रहे थे कि शहबाज शरीफ कितना अरसा रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि वो अगर कोई भी होगा तो ऐसी रिजीम को पैसे क्यों देगा जिनका कोई पता ही नहीं है कि 6 महीने है या 3 महीने। तो ये सारे अगर कलेक्ट किए जाए आर्गुमेंट, तो ये आप उम्मीद ना रखें कि वहां से आपको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। आपका रीस्केड्यूल किया जाएगा, कर देंगे वो जो कर्जा है। और दूसरा ये कि वो शायद MOU साइन करें, वो भी MOU एक जिस तरह के फेस सेविंग होती है इस ट्रिप को करना, वो भी ये नहीं है कि फॉरन वो उनका 12 बिलियन कुछ का वो प्रोजेक्ट है ट्रेन का और थर्मल पावर प्लांट का, लेकिन ये कि
प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ चलें, ये जिस हद तक ये जो चीजें हैं अगर ये लेकर गए और यही हो जाए तो ये भी बड़ी बात है, वरना जो इस वक्त सड़कों पे हो रहा है हमारी वो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है और वो सब कुछ देख रहे हैं। आप कहते हैं चाइना आपको कर्जा दे, मैं कहता हूं आप हबीब बैंक से लें, शायद वो भी आपको कर्जा ना सर अभी बैंक के, तो हमारे बैंकों के हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है 7 समथिंग जो है वो रह गए हैं पैसे, 7 बिलियन, और ये जो तो फिर उसमें दे। क्या मुझे होगा। मैं कंसर्न्ड हुआ लिया कि वो भी एमआईयू इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया से गंदम लेने के लिए, लेकिन वो गंदम के एक्सचेंज में पैसे किस कहां से देंगे। अब वैसे तो हमने जो हमारे टॉपिक्स थे उस पर हमने बात कर ली, लेकिन आप क्योंकि जाहिर है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों में खबर कोई पड़ी थी, उनको कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिला है कुछ इस तरीके।